कभी परिस्थिति नहीं क्या करें। अब हम दैनिक दिनचर्या में दैनिक कब उठे के बाद कब सुते के बाद उठ के का करे के बाद भोजन कैसे करे के बाद। दूसरा चीज अब हम रहुआ समझे कि जड़ी बूटी के बारे में बताओ मेरे लाल भाई। देखिए हमारा बीच में को तुम बेटा कुमारा जो बोले ठीक है भाई भट कुइया बा रुवा सब चिन्ह तन जगह के ना। ये गरीब आदमी खाती गांव खाती अंगूर है का है जेकरा पैसा कम बा अंगूर नहीं खे जुड़त काजू किशमिश नहीं खे जुड़त तो पाकल भट कुइया के रोज खाई रहुगा रुवा खून बढ़ जी शरीर में ताकत आ जाए बड़ी ताकतवर चीज है भट कुइया। आ जेकरा गैस बनत होके जेकरा फैटी लीवर बा हेपेटाइटिस बा जॉन्डिस बा एकदम जड़ से ठीक हो जाए उनका के तेल घी मसाला बंद करवा दी। जेकरा जॉन्डिस बा लीवर खराब बा जेकरा पाचन शक्ति कमजोर बा जेकरा हाथ खराब बा का बंद कर देवे के बा तेल घी मसाला। दूसरा उनका के मीट मछली अंडा बंद कर दी आई भट कोइया देखत नहीं ना ऐसा कबाड़ ली जड़ से धो करके भट कोइया आए को होला गांव में पुनर्नवा जेकरा के गजपुरना कहा जाला हमनी के। हाँ वही चाचा जो करे वही है ना छोटका छोटे छोटे जेकरा के मकोई कहा जाला का कहा जाला मकोई। तो एकर जड़ भाई से उखाड़ ली धो ली आ गजपुरना चिन्ह तो नहीं जानो पहले गजपुरना के साग लोग खात रहे बड़ी ताकतवर चीज बा तो गजपुरना कबार ली आ एकरा कबार ली आ एगो होला भूमि आंवला गांव में देख ले कि आर पगार पर एगो इमली लेकर हते हते पतई वाला पौधा होला और अगर नीचे देखा हम तो छोटे छोटे सरसों लेखा दाना लगा रहा ओकरा में ऐसा देख ले बंजे कभी ऐसे गांव में सगरी मिली रहा पूरा रुआ रोड किनारे चाहे रुआ बाउंड्री के नजदीक में रही इमली लेखा पतई रही छोटे छोटे हते आ ओकर डंठलवा तनी काड़ा रही हरियर आ पीछे से उघारम लू तो नीचे में छोटे छोटे दाना लागल रहे ओकर नाम है भूमि आंवला। ये तीनों चीज है मकोए भटकोइया गजपुरना आ भूमि आंवला तीनों के पीस दी तिलौट पर और रस खाना पूरे पते सते सही से आ उनका के पीस के आ चार चम्मच डेली सुबह में खाली पेट में पिला दी दो तीन महीना गैस कब्ज से लेकर के हेपेटाइटिस जॉन्डिस एकदम जड़ से ठीक हो जाए समझ गए नी। आ वह गजपुरना के जो जो जड़ होला ओकरा के रुआ गाला में पहना दे तो पियरियो ठीक हो जाला ढेर लोग जड़ी बांधला तो वह गजपुरना के छाल छिल दी सुखा दी आ ओकरा के बांध के कहीं के डाण में पहनला चाहे गर्दन में पहनला उससे भी बहुत जबरदस्त पर वह पियरी ठीक हो जाए पियरी की दवाई बता दे रुआ के। दूसरा चीज भाई दूब घास देखत नहीं देखत नहीं गाय के खियाला से गाय का दे वाले दूध दे वाले सोची कितना ताकत बा एकरा जेकरा खून के कमी बा पैर चटात होके पाचन शक्ति कमजोर होके तो दूब घास के हतना नोच ले बढ़िया जगह से हतना आ धो ले आ खाली पेट में चिबा चिबा के पूरा अंदर घोट जाए रस कर निकल जाए रुआ खून बढ़ जाए आ ताकत एकरा से मिली शरीर में आ पैर उड़ जो टटा था वो सब ठीक हो जाएगा समझ गए नहीं। दूब घास के बताओ सर यही से हमने के करा के पूजा कर जाला कोनो कथा उथा होला पूजा पाठ से दूब ले आवा ना हरदी ले आवा चावल ले आवा दूध ले आवा दही ले आवा गुड़ ले आवा मंगावा जाला नो तो जेकरा जोड़ में दर्द बढ़ू है गुड़ रोज खाई शुगर वाला ना खाई आदमी जेकरा शुगर नहीं के तो रोज गुड़ खिलाई जोड़ के दर्द खत्म हो जाए भीतर के सब बाहर निकल जाए चीनी मत खाई रहुआ चाय मत पी चाय लोग आजकल देहातों में लोग चाय मार कपा कप पी रहा है ना चाय कहती लड़ाई हो जाता चाय के बदला में देखी का पिए के बाद तुलसी जी के पतई आ थोड़ा सा लवंग थोड़ा सा इलायची आ तेज पत्ता आ एगो काली मिर्च कूट दे आ दूधवा में डाल के खौला के पूरा एक गिलास पी जाए गैस कब्ज से लेकर के सब बीमारी भाग जी रहा। आ एगो होला कहुआ के पेड़ देख ले बनी जा जेकरा अर्जुन कहल जाला ओकर अर्जुना रिस्ट बोतल में दवाई बिकल तो वह
हमनी के कहुआ के पेड़ के जो छाल होला उ छाल के रुआ निकाल ले। बहुआ चीन लेनी माता जी, ओकरा से बढ़ के कोई दवाई नहीं, जकरा हृदय के बीमारी बा, छाती धक धक मारता, जकरा ब्लड प्रेशर बढ़ल होके कहुआ के छाल ले आई आ पानी में खौला के पिलाई ब्लड प्रेशर वाला के, आ जकरा हार्ट खराब भइल होके ओकरा के दूध में खौला के पिला दे, रुवा हार्ट के बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। आ सांस भरे वाला हाई करवाए अनुलोम विलोम जो ने बतावत रहे सवेरे जकरा के करवा दे रुवा जड़ से ठीक हो जाए। दूसरा चीज भाई देखी बेल एगो लेल बने रुवा सब के शंकर जी पर बेल चढ़ावल जाला। ये बेल काहे के चढ़ावल जाला, बेल ऐसे चढ़ावल जाला कि बेल एगो दवाई है, औषधि भाई जड़ी बूटी है, जेकरा मुंह में छाला भइल होके तो एकरा बेल के पतई के छिलका के चिलाई रुवा एकर छाल के चिमाई, जेकरा आंत के बीमारी बा, बार बार लैटिन होता लुदका जैसन चिकना चिकना लैटिन होता लार वाला लैटिन होता आँव पड़ गिलो के ओकरा के रौरा बेल के शरबत पिलाई, काचा बेल होके तो तुड़ के आग में डाल दी, पाक के फट जाए, भीतर के गुदा निकाल के खिलाई, ओकरा आँत के बीमारी वो आदमी के आँव के बीमारी वो आदमी के लुदका जैसन पैखाना होता लार जैसन पैखाना होता जड़ से ठीक हो जाए। समझ गए नी, इतना जबरदस्त चीज बा बेल, ऐसे बेल के लगाई। नीम देखी, नीम इतना बढ़िया चीज बा, ऐसे उपलब्ध बा हमनी के सामने रुआ नीम बा। नीम पूरा गांव के संक्रमित बीमारी के जीवाणु के दूर करला, ऐसे नीम लगाई। नीम हमनी के नेचुरल एयर प्यूरिफाइड है, हमनी के जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी ले जा नाक के द्वारा ओकरा के शुद्ध करला नीम। ऐसे रुआ से आग्रह बा कि डेली रुआ से चार पांच पत्ते नीम के खूब चिबा चिबा के खाई, अपन खून के शुद्ध करी, आ जितना चरम रोग बा उ सब के रुआ ठीक करी। माता जी मिलनी है आनी है ता वहाँ कहता नहीं हमारा शुगर के बीमारी धैले बा, तो शुगर जरा भइल होके सुन ली, जामुन के सिरका बना के पी, जामुन के बिया के कूट के पाउडर एक चम्मच खाई, चाहे मेथी जो होला ना मेथी, मेथी के रुआ आधा आधा चम्मच डेली रुआ कूट कूट के पाउडर बना के खाई, बड़ी लाभ करी शुगर में। दूसरे खेने लाभ रुआ सबे सदाबहार फूल देखले बनी जा, सदाबहार फूल होला मंदिर उंदिर में सालों भर फूल आला, चार पांच पतियों में ऐसे निकल रहा, गुलाबी गुलाबी होला चाहे कभी कभी उजर उजर होला, आ पतई हरियर रही रु, आ ओकर लंबा लंबा हो जी बिया हो रु, तो हते हते हो जी लंबा लंबा में बिया भर जी ओकरा में करिया करिया बिया हो जी, ओकर नाम बा सदाबहार फूल। जेकरा शुगर भइल होके तो सदाबहार फूल के पाँच गो फूल ले ली या पाँच गो पतई ले ली, धो के चबा चबा खाली पेट में खाएं, रुवा शुगर के बीमारी उसे कंट्रोल में हो जाए। नीम के पतई पच पच गो खाए एक महीना, आ एगो गिलोए होला, गिलोए जेकर बारे में रुवा से हम काल बताए, रुवा पेड़ पर चढ़ रही जो हो कहीं ना कहीं हर गांव में रहला, पान के पतई ऐसे रहला वो, आ पेड़ पर चढ़ जाए नीम पच जाए सब पच जाए जंगल झाड़ में, वो दुनिया के सबसे महान औषधि है। कैसन को बुखार लागल होके उसे ठीक हो जाए, शुगर भी ठीक हो जाए, आ जोड़ में दर्द बा उ गिलोए के डंठल हतना तूर के ओकरा के डेली चबा चबा के चाहे कूट के खौला के रस पिला के पीजिए ओकरा, समझ गए नी। आ गेहूँ के गेहूँ जो देखा था हते हते भइल बा गेहूँ, अब ही गेहूँ के जीवारा कहल जाला ओकरा के हतना बढ़न गेहूँ के जना बा भाई कोनो बाली उली नहीं खे आइल, दस गो ओकरा के तूर के ले आई कबार के आ जड़ काट दी और उनका के रस निकाल के एक माने कप पी जाए, रुआ कहियो कैंसर ना हो, जरा कैंसर भइल होके तो कैंसरों ठीक हो जाए, खाली गेहूँ के पतई के रस पी। अब भाई पतंजलि ओकरा के तहत बेचता ना लीटर के हिसाब से 200 रुपए लीटर बिक रहा, अट नहीं रहा है, मार हुआ है कि गेहूँ के ज्वारा के रस दी, जामुन के सिरका दी, एलोवेरा के जूस दी, है करेला के जूस दी, नीम के जूस दी, सब बिक रहा बा पैसा से, ऐजा गाँव में उपलब्ध रहुआ सब के, ऐसे ये सब रहुआ सब खाए के एकरा के सेवन करे के विधि के रुआ समझी जा, एकरा के प्रतिदिन अभ्यास करी जा,
जोन हम योग सिखावत तनी तो रुआ सब कहियो जिंदगी में दोबारा बीमार ना पड़ जा। भाई हमनी के आज हमनी के जड़ी बूटी के कार्यक्रम में बहुत सारा चीज चीज के बारे में बताओ के प्रयास के नी थोड़ा सा हई कर ली जर माथा दर्द कर दो ओकरा कर बेटा घुमाओ तो करिए करा के तू बेटा घुमाओ ना इसको हैंडल घुमाओ धीरे धीरे घुमाओ घुमा दो बेटा आंख बंद करिए मुंह बंद नाक से सांस भर के 5 बार भौरे जैसा गुंजन करिए माथा दर्द तनाव क्रोध लड़ाई झगड़ा जेकरा नींद कम आवत होके आ जेकरा मिर्गी फरका पागलपन के बीमारी होके जेकरा पढ़े में मन नहीं लागत जेकरा झाड़ू मारे में मन नहीं लागत जेकरा खाना बनाए में मन नहीं लागत सब मसाला धैल बा आ सब्जी के स्वाद बिगड़ जाता छौंक लगावा तो छौंक जर जाता बोले ना ऐसा कभी के मन दूसरा जगह चल जाए फिर वह सब्जी बनाए में अब मन रही दूसरा जगह सब सब्जी के स्वादे बिगड़ जाए दाल नीचे सट जाए जर जाए भात गीला हो जाए रोटी ना फूली इहो एगो बीमारी है ऐसे हो तो जेकरा घर में समझी की बनावे वाला के मन नहीं लागत भोजन में ओकरा के हई सब करवाई अनुलोम विलोम जोन बतावा ते नकिया वाला ओकर दिमाग ठीक हो जाए आउ काम जब करी तो ओकरा बुझाई कि ईश्वर के कार्य होता है भगवान के कार्य है पति के खिलाई बेटा के खिलाई चाहे घर वाला केकरो जब भोजन परोसी तो प्रेम से परोसी अभी ना के छिपा में ली धार बुढ़िया ले तू तो 2 घंटा से बचर बचर कर सन ना छिपा पटक दी दाल छिटा के लेने भात होने घोट जल्दी अब बेचारी का घोटी है घोटबो करी तो फायदा करी इसे प्रेम पूर्वक खाना खिलाई पहले के लोग मतारी बेटा के बहू के खिलावे तो पंखा हिलावल जाते रहे क्या मतलब होते रहे थे ना अब तो बेना का मरत रहता कि दोबारा नाक सब खिला जाता बात कर रहा है तो छोड़ा हो गई तार बेना हिलाव जान बुझ के मार देता में डंटी हाँ कहे ना के हिलाओ अब तेल मालिश सोते रहे पहले अब आता ना जोर जोर से धाके काट देता ना तभी ना कहते रहे तो हो गई छोड़ा दर्द बढ़ गई ज्यादा हमारे प्रेम रे नाम के चीजें नहीं खे तेल मालिश होता है लेकिन फैकन के पहले डेली तेल मालिश होते रहे बूढ़ पुरानिया जवान सबके आदमी सब के तेल मालिश करके भोजन करके सुतत रहे आदमी अब तो हमारा बुझाता कि हाथे हाथे लेकर के 2-4 महीना लाग जाता वह ढेर बा दांत तेल लगा ना रोज हो है आप सुनी चाचा जी एक और चीज बताओ तेने सुन ली पति पत्नी में प्रेम कैसे रहे पति पत्नी में प्रेम कैसे रहे ओकर बारे में शास्त्र कहते है कि पति यदि बीमार पड़े तो पत्नी तेल लगाई खाना बना के खिलाई आ पत्नी यदि बीमार पड़ी तो पति पत्नी के तेल लगाई आ खाना बना के खिलाई तब प्रेम चली शादी विवाह होला तो आदमी अग्नि के सामने बड़ा साथ फेरा लगला कसम खाला आदमी कि हम इनका के जिंदगी भर देखब इज्जत हाल के ख्याल करब है इ पर्यंत हमारा सेवा करे न उ पर्यंत हम उनका के करब ऐसे होला माता जी पत्नी बीमार पड़ गई तो यार एक रोज मथे दुखा
चल जा ना यार, दू महीना वजह रही तार बाप भाई देखिए ना आ मिजाज ठीक हो जाए जा आ जाए होता कि ना ऐसा। ऐसे हम लोग बहू को बेटी को सबको इज्जत दीजिए, प्रेम रखिए, आ जे प्रेम करी ओकरा घर में कहियो बीमारी ना हो। जेकरा घर में रोहा रोट होई, जवन मरद मेहरारू के मरले होई ओकरा घर में कहियो सुख शांति ना होई। याद रखिएगा, ऐसे मारा पीटी वाला कहानी बंद करिए। अब तो औरत लाचारी बेचारी आ गई बाड़ी, अपन माई बाबू को छोड़ के बियाह हो गई बा, अब ओकरा के मारी चाहे काटी, अब बेचारी हो जे मन मार के रह रहल भी ससुराल में। ऐसे कहल गिल बा कि जौना घर में नारी के इज्जत नहीं खे, जौना घर में के नारी के सम्मान नहीं खे, वो जे ना लक्ष्मी रहली ना सरस्वती रहली, सब भूत परेश के पूजा अड्डा आ जाला ना। माता जी होला कि नहीं सर? ऐसे लड़ाई झगड़ा घर में नहीं के चाहिए, रोहा रोहट बंद करी, सब घर में सुख शांति समृद्धि भर रही, खाली खारी रहुआ मुस्कुराई आ प्रेम से रही तो 99% बीमारी खत्म हो जाए। विदेश में हंसे वाला क्लब खुलल बा, जाए तो पैसा लागे हंसे खातिर, आ जाए तो खाली हंसाई आधा घंटा आ कही अब घरे चल जा। अब घरे आई हंस के तो बुझाई करे दर्द कम बुझाता, अरे माथा दर्द खत्म, ब्लड प्रेशर कम हो गए, जो ना पचत रहे तो पचे लागल, ये कैसे होता? प्रसन्न रहे से होता। ऐसे जतना रुआ जग में जाए साधु संत भी जाए यह सिखावत लन कि खुश रही, लड़ाई झगड़ा मत करी, है प्रेम से रही, तो आधा दवाई तो यह बढ़ुए खाली मुस्कराई। ऐसे आज से रुआ से भी अपना घर में प्रेम से रही, आनंद से रही, लड़ाई झगड़ा यदि मान ली कि पत्नी पति के डांटतो ब्या तो पति के तनी महटिया जाए के चाहिए, दो चार मिनट माटिया जब तो औरत अपने चुप हो जाए। हम मान ली कि पति गरमाइल बा, मान ली कि कहीं साइल बा, उन्हें से मेहनत कह के जरूरत नहीं, एक लोटा पानी दी बढ़िया से क्या बैठी रह के पानी देता है। अब ऐसा ना कि जाना होने ले अब लौका तो एक चापा कल बा, अब जाके बेचारा अपने ले उगरा बढ़िया लागी, इसे पानी दी भोजन दी सब बढ़िया से सेवा करी तो आपस में रुआ सबे के ठीक रही। तो रुआ सबे के हम यही निमंत्रण दे रखा थे नहीं हमने के गांव में 5 दिन तक कार्यक्रम चला था, और सुबह में आज माता जी लोग भी आई रहे लेकिन लेट नहीं है रुआ सबे 7:10 पहले ही आ जाए, 3 दिन तक खत्म हो गए, 2 दिन और बाकी रह गई माँ तो इसे एक फायदा उठाई तो हमारा उतना दूर सहिला का जरूरत है बताए। हम सुबह चीज बता लेकिन सोचने कि दोपहर में लोग आदमी खा पी के स्थिर रही तो थोड़ा आदमी सुनी समझी बढ़िया रही। ऐसे हम जितना चीज बतैनी ओकरा के अमल करे, कम से कम सुबह 4 बजे जागे वाला, पानी पिए वाला, ये सब शुरू कर दे, चबा चबा के खाना खाए वाला, खाए के बारे पानी मत पी रहा सबे तरह शरीर ठीक रहे।